आ रही है, उनको ये मुश्किल का सामना है, कोई बदल जा रहे हैं, कोई मुश्किल आ रही है। मुझे 3600 लोगों को लग चुकी है, बाकी बैलेंस हमारे पास मौजूद है। और उसमें दो कैटेगरी, सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी अलग है, और हमारा जो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स पैरामेडिक्स हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। हेल्थ वर्कर्स के हिसाब से 90% से ऊपर हेल्थ वर्कर्स को हमारे डिस्ट्रिक्ट में लग चुकी है पहली डोज, और दूसरी डोज कुछ लोगों को रह गई। हो गया क्या, हमने सीनियर सिटीजन में कैटेगरी मैंने बता दी है, 21 अप्रैल से 50 साल और इससे ऊपर भी लोगों का शुरू हो गया। तो इसका ये 60 से 70 साल, 70 से 80 साल के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी आप सेंटर पे ला के उनको वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और बहुत आरामदेह, और क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ, आप लोग भी टीवी पे देखते हैं, बहुत आरामदेह, पुरसकून और खुशगवार माहौल में ये वैक्सीनेशन होती है। अगले बंदे को पहले उठाया जाता है, उसको ट्रस्ट एक डेवलप कराने की कोशिश की जाती है, ताकि वो घबराहट या उस तरह का कोई अमल उसके साथ पेश ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि टीवी पे या लोग आपस में बातचीत करते हुए बताते हैं कि इसके शायद कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स मनफी हैं, तो ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप लोग पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, चैनल मीडिया चैनल्स पर भी, अखबारों में भी, आज जो माइनर कोई अगर बताता भी है उसका रिएक्शन, तो वो भी आज तक कोई ऐसा पेश नहीं आए। तो उसमें बिल्कुल तसल्ली से जाए, आपको एक बहुत अच्छा माहौल मिलेगा वहाँ पर। और लेकिन अगेन बात यही है कि हम तभी अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते जब हम अपने ज़िले पे और अपने शहरों में अपने ताकि के पहले अपनी तमाम आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। तो फैसिलिटेट होंगे, उसके लिए हमने तमाम